खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खरं म्हणजे मला दीपक छटनानी साहब आणि शेरी लुंड साहेबांचा फोन आला आणि तत्काळ मी फायर ब्रिगेडला या ठिकाणी घटनास्थळावर जाण्यास रवाना केले। तर मला कॉल असा आला की पारस अपार्टमेंट गुणगीत हॉस्पिटलच्या बाजूला उल्हासनगर 5 या ठिकाणी बिल्डिंगचा स्लॅब पडलेला आहे। तत्काळ आम्ही फायर ब्रिगेडला त्या ठिकाणाहून आम्ही पाठवला आणि आल्यानंतर मी पण घटनास्थळी पोहोचलो। पाहणीकरता असे निदर्शनास आले की या ठिकाणी एक पाचव्या माळ्याचा बेडरूमचा स्लॅब हा चौथ्या माळ्याच्या बेडरूमवर पडलेला आणि अशा वेळेस त्या ठिकाणी एक मुलगा होता आणि त्या मुलाला स्थानिक नागरिकांच्या आणि पोलीस आणि फायरच्या मदतीने त्याला बाहेर काढण्यात आलं आणि तत्काळ त्याला गुणगीत हॉस्पिटल आणि तिथून ताबडतोब सेंट्रल हॉस्पिटलला रवानगी केलेला आहे। पुढील माहिती आपल्याला सेंट्रल हॉस्पिटल इसके बारे में हमारे वार्ड ऑफिसर महोदय अभी दो मिनट में पहुँच जाएंगे, वो बताएंगे। बिल्डिंग ऑलरेडी मी इव्हॅक्युएशन केलेली आहे, पूर्णपणे खाली केलेली आहे, आता बिल्डिंग सील करण्याची कार्यवाही या ठिकाणी होत आहे। जखमी मुलाचं नाव काय? जखमी मुलाचं पोपटाणी आडनाव आहे, परंतु नाव त्याचं मला सांगता येणार नाही। सर, या व्यतिरिक्त आणखी काही लोक आहेत का? नाही, बाकीचे इतर लोक होते, घाबरलेले भयभीत अवस्थेत जे होते ते ताबडतोब बाहेर काढलेले, आता तिथे कोणी नाही। ये हम पॉलिटिकली लोग 12 महीना एक्टिव रहते हैं, ये उल्हासनगर के जो दुखदायक बिल्डिंग्स है जब भी गिरती है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये शहर का मामला है, हमारे भाई बहन इसमें माताएं रहती है। जैसे हमें मालूम पड़ा ताबड़तोब हम लोग पहुँचे, हमारे नगर सेवक शेरी लुंड अमर लुंड राजेश भद्रा हम लोग आए और देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अपना पारस पैलेस का जो एक स्लैब 5 माले से 4 माले पे गिरा, उसमें एक जो बच्चे का हालत बहुत गंभीर है, अभी वो सीरियस कंडीशन में है, सेंट्रल हॉस्पिटल में है, अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। है, हमने सरकार से काफ़ी टाइम गौर लगाई कि हमें जो धोखादायक बिल्डिंग है उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए परमिशन दे दीजिए। सरकार जब भी कोई बिल्डिंग गिरती है, स्लैब गिरता है, तो मंत्री आते हैं या यहाँ पे नेता लोग आते हैं या सरकार उठती है कि हम अभी इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेके इसका GR निकालेंगे और इसको रेगुलाइज करने के लिए या इसकी FSI देने के लिए या इसका नया कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन आज तक हम वेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में 3-4 मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब को कहा गया कि रिपोर्ट भेजिए और 15 दिन के अंदर इमीडिएटली हम लोग इसके ऊपर जो रीडेवलपमेंट का जो परमिशन है वो देंगे। देखिए, अभी ये जैसा पारस पैलेस बिल्डिंग है, इसकी मजबूरी ये है, जो देखिए बिल्डिंग खाली कराई गई थी, इसमें 4 फ्लैट्स में आदमी लोग रहते थे, फ्लैट देने वाले भी मजबूर थे क्योंकि उनको 2 पैसा मिल रहा था, फ्लैट रहने वाले भी मजबूर है, उनको आशियाना चाहिए था, वो यहाँ भटक 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 के आखिर मजबूरन हो के रिस्क लेके आदमी लोग रह रहे हैं, जिसके वजह से ये नतीजे होते हैं। आज ये कॉरपोरेशन अपना कर्तव्य पूरा करती है, भाई चलो बिल्डिंग खाली कराओ, लेकिन फ्लैट ओनर्स भी कहाँ कहाँ पर मजबूर है, जो धोखादायक बिल्डिंग दूसरे को भाड़े पे देती है, उनको 2 पैसा भाड़ा उसको रिटर्न चाहिए क्योंकि वो भी जाके दूसरे जगह पे रेंट पे रहते होंगे या किधर न किधर जगह ली होगी, लेकिन जो रह रहे हैं उनके लिए भी मजबूरी है, उनके पास जगह नहीं है, घर नहीं है, तो आदमी सोचेगा चलो ऊपर वाले के मेहरबानी से जो अच्छा दिन जितना निकाल सके, लेकिन ऐसा हो जाता है, मजबूरी है, इमरजेंसी कभी कभी धोखा ये डायरेक्ट बिल्डिंग गिर जाती है। सर, आप पहले तो जैसे ही किसी भी बिल्डिंग को नोटिस दिया जाता है, पहला नोटिस ये दिया जाता है कि आपकी बिल्डिंग धोखादायक हो सकती है, आप अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं, यहाँ लोग मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं है, तो 50,000-1,00,000 रुपया जो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए खर्चा होता है या उसकी रिपोर्ट के लिए खर्चा होता है, तो वो करना नहीं चाहते, उनके आपस में इश्यूज़ हैं, उसको एकजुट करके मैं सभी बिल्डिंग वालों को आह्वान करूंगा कि आप एकजुट होकर अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं। स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में 3 प्रकार है, एक प्रकार है आप बिल्डिंग में रह के बिल्डिंग रिपेयर करवा सकते हो, दूसरा प्रकार है बिल्डिंग खाली करके रिपेयर करवा सकते हो, तीसरा प्रकार है कि बिल्डिंग रिपेयरेबल नहीं है, उसको तोड़ के ही कुछ किया जा सकता है। तो ये जब रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा, लोग रिपोर्ट तक नहीं करते हैं, नहीं हमारी बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी, आपको एक नोटिस दिया, कॉरपोरेशन दूसरा देगी, तीसरा देगी, चौथा देगी, चौथे नोटिस के बाद तो उसके पास क्या रास्ता है, वो तो बोलेगी ठीक है बिल्डिंग खाली कर दो। देखिए, जो लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी बिल्डिंग में रहते हैं तो वो अपनी रिस्क पर रहते हैं,
कॉरपोरेशन ने उनको कहा कि आप बिल्डिंग खाली करो। हमने कई जगह देखा है कि कहाँ बिल्डिंग खाली नहीं कर रहे हैं तो लाइट पानी कनेक्शन कट करने को आए, तो वहाँ भी लोगों का विरोध हमें झेलना पड़ता है। नगर सेवकों के ऊपर दबाव आता है कि साहब आप हमको मदद करो, बिल्डिंग खाली नहीं होनी चाहिए, हम रिपेयर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, ये कर देंगे, तो काफ़ी वो इश्यूज़ हैं। और दूसरा, जिसको फ्लैट खाली करके भाड़े पे जाने का है तो भाड़े के लिए उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि जाके भाड़े पे। हमने गवर्नमेंट से 500 फ्लैट की डिमांड की थी कि आप हमको 500 फ्लैट दो। उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया कि हम आमंत्रा में आपको फ्लैट दे रहे हैं, लेकिन आमंत्रा में रहने के लिए कोई नहीं गया कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर ना वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ ना कोई सुविधा है, तो लोग 5 नंबर वाले कहाँ आमंत्रा राजनौली जंक्शन पर रहने को जाएंगे। ये एक इशू है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी UD1, प्रिंसिपल सेक्रेटरी UD2 और होम सेक्रेटरी और हाउसिंग सेक्रेटरी और कमिश्नर उसके सचिव थे, तो उनको 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी। 15 दिन में उनके रिपोर्ट देने के बाद भी आज भी 3 महीने हो गए वो रिपोर्ट दे के, उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई मंत्रालय में नहीं हो रही है, बिल्डिंग रेगुलराइज नहीं हो रही है। जब तक बिल्डिंग रेगुलराइज नहीं होगी उसका रीडेवलपमेंट का प्लान पास नहीं होगा, जब तक रीडेवलपमेंट का प्लान नहीं पास होगा तो बिल्डिंग कैसी बनेगी? क्या वापस अभी क्या आप चाहते हो कि वापस बिल्डिंगें इलीगल बनना शुरू हो जाएं? तो गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमको इस मामले में बहुत जल्दी ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। यही एक वक्त था कि थाना के आमदार जो जितेंद्र अवार जी हैं, एकनाथ शिंदे जी हैं, वो वहाँ पर विधानसभा में आवाज़ उठाते थे कि हमको ये दे दो। आज आप खुद सरकार में हैं, अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, श्रीकांत शिंदे जी हमारे MP हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि ये मुद्दे को टॉप प्रायोरिटी पे लेके हमको कोई ना कोई पॉलिसी बना के दें। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।